हाय फ्रेंड, आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल दूध का शरबत। ये बनाने में बहुत ही आसान है और पीने में बहुत मज़ेदार। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक चम्मच सब्जा लिए हैं, जो तुख मलंगा के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें हमने पानी डालना है और इसे हम मिक्स करके साइड में रखेंगे। 15 से 20 मिनट में ये फूल जाते हैं। और यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। तो दूध में हमें एक उबाल लाना है, और ये यहाँ पर देखिए दूध में उबाल आ चुका है। तो अब हम आँच को धीमी कर देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे शक्कर। तो यहाँ पर मैं 100 ग्राम शक्कर ले रही हूँ। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के भी डाल सकते हैं। और साथ में हम थोड़ा सा चारोली डालेंगे और थोड़े से बादाम के कतरन। आप अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसे मिक्स करते हुए हम 5 से 6 मिनट के लिए हम पका लेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुका है। इसके बाद हम इसको चूल्हा को बंद कर देंगे रूम टेम्परेचर पर। फिर हम इसे ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें फ्रीज में रख करके ठंडा करेंगे। तो देखिए ये शरबत हमारा अच्छा ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हम फ्लेवर देने के लिए रोज़ सिरप ऐड कर रहे हैं। आप रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो केवड़ा जल या गुलाब जल भी आप इसमें डाल सकते हैं। पर ये रोज़ सिरप से अच्छा सा इसमें कलर भी आ जाता है और फ्लेवर भी आ जाता है। साथ में मैं ये जो तुख मलंगा भिगा के रखी थी सब्जा, वो डाल दूँगी। आपको जितना पसंद है उतना डाल दीजिए। और ये शरबत ऐसे भी आप पी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में। लेकिन इसे थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पर होममेड जेली इसमें डाल रही हूँ। जेली कैसे बनाना है ये हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है, तो आप ये देख लीजिएगा, हमने आपको बता चुके हैं। तो ये शरबत इस मुहर्रम पर बनाइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आए बनाने के बाद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।